सो हेलो स्टूडेंट, इस कमल सर। ओके, सो गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल। आज हम लोग है ना एनसीईआरटी 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल करने वाले हैं। ओके, तो इसका एक्सरसाइज 2.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 अपलोड किया है, उसे देख लो। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे बोला है कि गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स। ठीक है, आगे बोला है कि विच सेटिस्फाइज द डिविजन एल्गोरिथम। ठीक है, उसके बाद में हमको ये 3 कंडीशन दिए हुए हैं, चलो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि बेसिकली क्या है। सबसे पहले मैं बता देता हूं तुमको कि ये पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और ये आर ऑफ एक्स क्या है, तो ध्यान से देखो। ठीक है, ओके, देखो यहां पर हो जाएगा, ये मेरा है पी ऑफ एक्स, इसको मैं बोलता हूं डिविडेंड। ठीक, यहां पे मैंने लिख दिया जी ऑफ एक्स, जो कि है मेरा डिवाइसर। ऊपर मैंने लिख दिया क्यू ऑफ एक्स, जो कि मेरा है क्वेश्चन, उसको हम माइनस करेंगे किसी से। ठीक है ना, फिर जो आंसर आएगा वो हमारा क्या रहेगा, आर ऑफ एक्स। कितना क्लियर हो गया कि पी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स क्या है, क्यू ऑफ एक्स क्या है और आर ऑफ एक्स क्या है। ठीक है, कितना क्लियर। ठीक है, तो हमको ऐसे एग्जांपल देने हैं पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स के, कि जो डिविजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे। तो डिविजन एल्गोरिथम क्या है स्टूडेंट, बोलो फटाक से, हम सबको मालूम है ना कि व्हाट इज द डिविजन एल्गोरिथम, वो ये होता है, यानी कि जो डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ऐसी होता है ना कि जो डिविडेंड होगा वो इक्वल होगा किसके, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के। तो वहां से देख सकते हो कि व्हाट इज डिविडेंड, तो वो है तुम्हारा पी ऑफ एक्स, व्हाट इज डिवाइजर वो है तुम्हारा जी ऑफ एक्स, व्हाट इज क्वेश्चन वो है तुम्हारा क्यू ऑफ एक्स और रिमाइंडर है तुम्हारा आर ऑफ एक्स। इस एक्स को थोड़ा हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो पी ऑफ एक्स होगा उसकी डिग्री वो इक्वल होनी चाहिए की ऑफ एक्स की डिग्री से, ये पहली कंडीशन है। ठीक है ना, हमको इस तरीके से मतलब डिवाइड करना है चीजों को कि जहां पे हमारा जो पी ऑफ एक्स हम लेंगे उसकी डिग्री वो इक्वल हो जाएगी Q of x की डिग्री से। तो चलो स्टार्ट करते हैं सम को। पहला वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट वाले में क्या प्रूव करना है कि डिग्री ऑफ P of x वो इक्वल होनी चाहिए किसके, डिग्री ऑफ Q of x के। ठीक ना, P of x तुम्हारा क्या स्टूडेंट, यहां से देख सकते हो डिविडेंड है, यानी कि डिग्री ऑफ डिविडेंड शुड बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ क्वेश्चन। ओके, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो ऐसा कौन सा एग्जांपल लूं, तो देखो मैं यहां पे ले लेता हूं, मैं ऐसे ले लेता हूं, तुमको यहां पे करके दिखा देता हूं कि देखो मैंने क्या किया। ठीक है ना, जो पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स की जगह पे मैं चलो एक्स स्क्वायर ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिखा देता हूं, मैंने यहां पर क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया। ठीक है, बराबर मैं यहां पर लिख देता हूं कि मैं क्या क्या चीजें लेता हूं। पहले ऐसे देख लेता हूं कि मान लो कि जो मेरा पी ऑफ एक्स है मैंने उसे क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया, और जो क्यू ऑफ एक्स है ना, क्यू ऑफ एक्स ने जी ऑफ एक्स, और जो जी ऑफ एक्स है ना मैंने उसे वन ले लिया। ठीक है ना, ये पी ऑफ एक्स हो गया, ये जी ऑफ एक्स हो गया, इसे डिवाइड कर लो यहाँ पे साइड में, पी ऑफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर है, जी ऑफ एक्स वन है, डिवाइड करो इसे। देखो इसे डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और फाइनली यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ठीक, बराबर कि नहीं, ये पी ऑफ एक्स था, ये जी ऑफ एक्स था, दोनों को डिवाइड किया। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल गया, और रिमाइंडर क्या मिल गया, जीरो मिल गया। तो चलो चेक कर लेते हैं, पी ऑफ एक्स था, जी ऑफ एक्स था, देयरफॉर मुझे जो क्यू ऑफ एक्स है, क्यू ऑफ एक्स कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, हमको किस पे काम करना है, इस पी ऑफ एक्स पे, ओके, और इस क्यू ऑफ एक्स पे। देख लो दोनों को ध्यान से एकदम, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों की डिग्री के चौक में है, दोनों की जो डिग्री है उसे चेक करो। देखो दोनों की डिग्री एग्जैक्टली क्या है,
सेम तो है, ठीक है ना। इसकी भी डिग्री क्या है, 2 है, इसकी भी डिग्री क्या है, 2 है। तो फाइनली ये वाला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, ये वाला एग्जांपल लेके, ठीक है। तो इस तरीके से तुम बहुत सारा खुद से भी एग्जांपल लेके बना सकते हो। ओके, इतना क्लियर हो गया फर्स्ट टर्म। चलो अब सेकंड पे आते हैं उसी पे, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे ना, देख सकते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि जो डिग्री होगी क्यू ऑफ एक्स यानी कि डिग्री ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमेंडर। चलो इसे लिख लेते हैं सेकंड वाला। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो डिग्री होगी किसकी, क्वेश्चन की, वो इक्वल होगी डिग्री ऑफ रिमेंडर की। तो मैं ऐसा क्या पी ऑफ एक्स और ऐसा क्या जी ऑफ एक्स लू जहां पे डिग्री ऑफ क्वेश्चन और डिग्री ऑफ रिमाइंडर दोनों सेम हो जाए। तो मैं क्या कहता हूं, तो मैंने देखो सोचा ऐसे कि जो p ऑफ x होगा ना, मैंने उसे क्या ले लिया, x स्क्वायर ले लिया, और g ऑफ x को मैंने क्या ले लिया, x स्क्वायर ले लिया। दोनों को डिवाइड करके तुम देख लो साइड में, क्रॉस चेक करो, देखो ये भी x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, डिवाइड करना है तो x स्क्वायर बनता है x स्क्वायर, ठीक है। फाइनली यहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, क्यूब ऑफ एक्स जो होगा, क्यूब ऑफ एक्स हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। इसके बाद में आर ऑफ एक्स वो क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। ओके, क्यूब ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स इन दोनों पर हमें फोकस करना है स्टूडेंट का, ठीक है। क्यूब ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स इन दोनों की डिग्री को देखो, इन दोनों की डिग्री भी क्या एक्जेक्टली सेम है, इन दोनों की डिग्री भी क्या एक्जेक्टली सेम है, वो 0 है, ठीक है। डिग्री क्या 0 है, दोनों की डिग्री क्या एक्जेक्टली सेम है। तो ये भी प्रूफ हो गया कि डिग्री ऑफ क्यूब ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, अगर मैं ये एग्जांपल लिखे तो, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो ये सेम एग्जांपल ले रहा हूं, ये सेम एग्जांपल ले रहा हूं। देखो यहां पे रिमाइंडर है, 0 आया है, ठीक है ना। इसकी डिग्री भी क्या है, 0 ही है। तो इसी एग्जांपल से तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा। ओके ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने क्या किया, देखो ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। तो एक्सरसाइज 2.4 क्या है, बेसिकली मिक्सचर है किसका, 2.1 का, 2.2 का और 2.3 का मिक्सचर है, ठीक है। मैं एक्सरसाइज 2.4 भी अपलोड कर दूंगा, बट वो मैं ऑन डिमांड करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, ठीक है। अगर तुमको कुछ नहीं आता रहेगा एक्सरसाइज 2.4 में, मैं तो ही अपलोड करूंगा, बट मैं ऐसा मानता हूं कि जो मैंने सिखाया है, अगर तुमने उस वीडियोस को प्रॉपर देखा है, ठीक है, तो मैं बैट करता हूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरे स्टूडेंट्स को नहीं आएगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आएगा, डू नॉट हेजिटेट मुझे पूछने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, तुम्हें बताने आया हूँ, समझाने आया हूँ, तुम्हें सिखाने आया हूँ, पढ़ाने आया हूँ, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, ठीक है, बाय, टेक केयर, जय हिंद।